लेते हैं उनके ड्राइवर का जो नंबर से बन जा रहा है, मतलब यही बात है कि बाद में संज्ञान गड़बड़ी है। पुलिस ने तत्परता से इसमें तहकीकात की जानकारी ली और साथ में ड्राइवर का CBR वगैरह निकाला है। उससे जानकारी कुछ नहीं, उसकी जानकारी के आधार पर कुछ लोगों को संदेह हुआ। कुछ लोगों के संदेह के आधार पर जितेंद्र मौर्य एक कबाड़ी है खनैना का रहने वाला, उसको पुलिस ने पूछताछ के लिए अभिरक्षा में लिया। उसने मामले को कबूल कर लिया कि मेरे पास एक दलाल है जिसका नाम अभी उजागर नहीं कर रहे हैं, उसने इस माल को मेरे पास लाया था, बताया था कि इसको बिकवाना है, तो मैंने इस माल को कानपुर में बिकवा दिया है और उसके एवज में उसको स्टार्टिंग में 3 लाख रुपये दिए। बाद में जब माल कानपुर से कुछ बिका तो उसके भी 10 लाख रुपये उसके माध्यम से उसको देने के लिए आए थे, जो पुलिस ने जब्त किए हैं बाद में। इसके साथ ही पुलिस ने तत्परता से कानपुर में मौर्या कबाड़ी के नशादेही पर जो एल्युमिनियम जब्त किया है, वो टोटल एल्युमिनियम जो मौर्या के यहाँ से मिला है खनैना उसके गोदाम से, वो जो कानपुर में मिला है टोटल 17.5 टन के आसपास का मिला हुआ है, जो करीब जिसकी कीमत 48 लाख के आसपास है। साथ ही पुलिस को 10 लाख रुपये भी इनसे जब्त हुए हैं। अभी इसमें जितेंद्र मौर्य को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है, उसका PR लिया जा रहा है, जिससे आगे इसमें संलिप्त लोगों के बारे में जानकारी ली जा सके, उनसे पूछताछ की जा सके और इसमें जिन लोगों के भी अपराध में संलिप्तता है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सके। इसमें पुलिस अपनी अभी पूरी विवेचना कर रही है, सारे तथ्यों को खंगाल रही है। अभी तक की जानकारी से जो तथ्य आए हैं उसमें पुलिस ने अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, बाकी की संलिप्तता के संबंध में पुलिस जांच कर रही है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।